देश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, आज आईडियो करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जो हमारा आपका माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में याचिका दाखिल हुआ है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में संघर्षशील टीम के तरफ से लगातार संघर्ष किया जा रहा है। वो सारी बातें लगातार आपको जानकारी दिया भी जा रहा है, क्योंकि कोई भी कार्य आपसे छुपा के नहीं किया जा रहा है। चाहे वो ड्राफ्टिंग की बात हो, चाहे वो वकालतनामा पे सिग्नेचर की बात हो, सारा कार्य आपके जानकारी में ही किया जा रहा है। और लगातार माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में जो भी कार्य हो रहा है, वो सारी जानकारी आपको लगातार दिया जा रहा है। कोई भी कार्य छुपा के नहीं किया जाएगा। जो भी कार्य किया जाएगा वो पारदर्शिता के साथ किया जाएगा, क्योंकि हमारे आपके भविष्य का सवाल है। कहीं भी किसी भी स्तर पे लापरवाही नहीं किया जाएगा और कोई भी बात आपसे छुपा के नहीं किया जाएगा। मित्रों, याचिका दाखिल हो चुका है, कल तक डेट शो होने लगेगा और 20 अक्टूबर को हर हाल में हमारा सुनवाई होगा, कन्फर्म है। दूसरी बात, जितने भी हमारे याचिकर्ता भाई बहन हैं, उनका नाम पड़ा नहीं पड़ा, उनको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 18 तारीख को शाम तक आपका नाम नेट पे शो होने लगेगा। जितने भी हमारे याचिकर्ता हैं, आप अपने घर पे बैठकर ही आप अपना नाम देख सकते हैं कि हमारा याचिका पड़ा है कि नहीं पड़ा है। किसी के साथ गलत नहीं होगा, आप लोगों से पहले ही कह चुका हूँ। तो मित्रों, आप इसके बारे में परेशान ना रहिए, आप घर बैठकर ही 18 तारीख को शाम के बाद अपना नाम नेट पे देख सकते हैं। सबका नाम शो करेगा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में। नाम शो नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में आपका नाम शो करेगा। आपका याचिका जो पढ़ रहा है वो रजिस्टर्ड होगा, आपका नाम रजिस्टर्ड होगा, क्योंकि आईए के थ्रू आपका नाम नहीं जा रहा है, आपका नाम एसएलपी के थ्रू जा रहा है। तो आप लोग अनावश्यक फोन ना करिए, जिसको समस्या है वही फोन करें। जो भी नंबर प्रोवाइड किया गया है उन नंबर पे आपका जो भी समस्या है फोन करके तत्काल आपका समस्या का समाधान होगा। आपके साथ गलत नहीं हो सकता है और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 18 तारीख को शाम से आपका नाम नेट पे शो होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, 20 अक्टूबर को सुनवाई होना है, कन्फर्म है। इसके लिए हमारी पूरी टीम लगातार माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में संघर्ष कर रहा है, एक बेहतर ड्राफ्टिंग के साथ 20 अक्टूबर को एक बेहतर सीनियर के साथ हमारा संघर्ष प्रारंभ होगा। और मुझे पूर्ण आशा नहीं, विश्वास है कि हमारा एसएलपी एक्सेप्ट होगा। एक बेहतर ड्राफ्टिंग हुआ है, क्योंकि जो मुझे जानकारी है, दानिश जुबेर जी कई केसों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, जैसे एसआई 2011 में, सौरभ यादव 3295 में, और उसके बाद फीमेल लगभग 100 कुछ सीटों में, जो उनका बहुत मुख्य पूर्ण योगदान रहा केस को जिताने में, और तमाम हमारे भाइयों को वर्दी दिलाने में दानिश जुबेर जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और हम लोग एक बेहतर सीनियर के साथ जाएंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में, और लगभग 5 SLP का उस दिन सुनवाई होगा। और मुझे आशा है जो भी जानकारी मिल रहा है, लगभग रीट संख्या 416/2021 का जो आर्डर चैलेंज किया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में, लगभग 5 SLP दाखिल हुआ है। और जो जानकारी है कि लगभग 4 से 5 सीनियर खड़े होंगे 20 अक्टूबर को, और हम लोग जरूर कामयाब होंगे, जिससे हमारे प्रदेश के जितने भी याची भाई बहन हैं उनको वर्दी मिलने का करीब करीब रास्ता 20 अक्टूबर को साफ हो जाएगा। क्योंकि ये हाई कोर्ट नहीं है, ये
सुप्रीम कोर्ट है, लगभग लगभग 90% याचिका एक्सेप्ट नहीं होता है, नोटिस नहीं होता है। इसलिए यहाँ हम आप कामयाब होते हैं और जरूर कामयाब होंगे नोटिस कराने में, काउंटर कॉल करने में। तो हम आप लगभग लगभग जितने भी हमारे भाई बहन हैं उनको वर्दी मिलने का रास्ता 20 अक्टूबर को साफ हो जाएगा। पूरी तैयारी चल रही है। आपका नाम 18 अक्टूबर शाम के बाद शो करने लगेगा। आपका ये समस्या नहीं रहेगा हमारा नाम पड़ा है कि नहीं पड़ा है। आप घर बैठे ही अपना जानकारी ले सकते हैं। 2 से 3 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग कम से कम फोन करिएगा। उसके बाद जो भी फोन करना चाहेंगे वो करेंगे। हाँ, जिनको समस्या है वो करेंगे। किसी का नाम छूटने नहीं पाएगा, ना तो किसी के साथ गलत होगा। तो आप लोग ग्रुप में धैर्यता बना के रखिए, शांति बना के रखिए। एक बेहतर प्रयास किया जा रहा है जिसे प्रदेश के जितने भी भाई बहन माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में पार्टी बने हैं उनको जरूर से जरूर लाभ। तो याचिका दाखिल हो चुका है। 20 अक्टूबर को सुनवाई होगा। 18 अक्टूबर शाम तक सबका नाम शो होने लगेगा, क्योंकि सबका नाम SLP के थ्रू जा रहा है। किसी का नाम IA के थ्रू नहीं जा रहा है। IA के थ्रू आप रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। एक एप्लीकेशन जाके आपका रीड फाइल में बेंच हो जाता है। तो विशेष लाभ जो SLP के थ्रू जाते हैं उन्हीं को मिलता है। तो इसीलिए किसी भी भाई बहन के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है। SLP के थ्रू जो भी नाम जाता है पैसा ज्यादा लगता है, लेकिन यह हमारे आपके भविष्य का सवाल है। इसलिए किसी का भी नाम IA के थ्रू नहीं जाएगा, सबका नाम SLP के थ्रू जाएगा। याचिका जितने भी भाई बहन डॉक्यूमेंट या पेमेंट आया है उनका सबका जाएगा। पेमेंट पूरा नहीं हुआ है उनके द्वारा। किसी का 500 आया है, किसी का 1000 आया है, किसी का 1500 आया है। उन भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि उनका कार्य किया जा रहा है, लेकिन आगे जैसे याचिका दाखिल हो जाता है उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। तो ये सारी बातें हैं सुप्रीम कोर्ट का। किसी भी भाई को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका नाम 18 अक्टूबर शाम तक शो करने लगेगा, कल डेट शो करने लगेगा और 20 अक्टूबर को सुनवाई होगा। एक बेहतर सीनियर के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में एक बेहतर ड्राफ्टिंग हुआ है। कोई भी मुद्दा छोड़ा नहीं गया है। लगातार संघर्ष टीम के तरफ से तमाम भाई बहन जब ड्राफ्टिंग हो रहा था या जब तक फाइलिंग नहीं हुआ है तब तक अपने मौजूदगी में तमाम भाइयों के साथ करवाया गया है। तो कोई भी तथ्य या कोई बात छुपा के काम नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये हमारे आपके भविष्य का मामला है। तो बाकी आपको परसों सारी जानकारी दिया जाएगा। तो परसों तक शाम तक आप लोग धैर्य बना के रखिए। जिसको जो समस्या है वो फोन के द्वारा अपना समस्या का समाधान करा सकता है, लेकिन बिना कोई समस्या का आप परसों तक फोन ना करिए। तो सारी बातें आपको बता दिया गया। कोई भी भाई परेशान ना रहे, कार्य चल रहा है और लगातार परसों तक हमारा कार्य चलेगा, क्योंकि हम किसी भी स्तर पे लापरवाही नहीं करना चाहते। बाकी आप लोग समझदार हैं। परसों पुनः फिर शाम तक IDO प्रोवाइड किया जाएगा। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।